और उसके साथ ही शहरों में रहने वाले कुछ पढ़े लिखे नक्सली अर्बन नक्सल ये अफवाह फैला रहे हैं कि सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। मैं हैरान हूं कि इस अफवाह ने अच्छे अच्छे पढ़े लिख भी वे भी पूछ रहे हैं ये डिटेंशन सेंटर क्या होता है, कैसा झूठ कैसा। और एक तरफी मैं एक मीडिया रिपोर्ट देख रहा था जिसमें मीडिया के लोगों से पूछ रहे थे कि ये जरा बताइए भाई डिटेंशन सेंटर कहां बना है, आपको पता है क्या? तो सामने वाले उनको पूछ रहे थे कि हमने तो सुना है इसलिए कह रहे हैं, सुना है तो किस लिए है? कोई जवाब नहीं, झूठ चलाया जा रहा है। अरे भाई कुछ तो अपनी शिक्षा की कदर करिए, एक बार पढ़ तो लीजिए कि संविधान संशोधन और एनआरसी ये सब है क्या। आप तो पढ़े लिखे लोग हो, मैं ये जो झूठ बोलने वाले हैं मैं उनको चुनौती देता हूं, जाइए मेरे हर काम की पड़ताल कीजिए, कहीं पर दूर दूर तक भेदभाव की बुआती है तो देश के सामने लाकर के रख दीजिए।